स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। दिल्ली से सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर 206.15 मीटर तक जा पहुंचा है। यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। यमुना का जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर होता है, लेकिन ये 206 तक जा पहुंचा है। ऐसे में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से दिल्ली पर मंडरा रहा है। हालांकि अभी दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। और इस सबके बीच केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उपराज्यपाल के साथ फोन पर बातचीत कर दिल्ली के हालात का जायजा लिया गया है। बात दिल्ली से सटे नोएडा की कर लेते हैं। यूपी के नोएडा में हिंडन नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। नोएडा के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। नोएडा के कई गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल हथनी कुंड बैराज से पानी यमुना और हिंडन नदी में छोड़ा गया है, जिसके बाद नोएडा के भी कुछ इलाके ऐसे हैं, निचले इलाके, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर पहले से ही जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि सुरक्षित जगहों पर वो चले जाएं, क्योंकि यमुना के बाद अब हिंडन में भी जलस्तर बढ़ रहा है। नोएडा के कई गांवों में घर छोड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को कहा गया है कि सुरक्षित जगहों पर वो चले जाएं। जहां दिल्ली में एक तरफ यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, वहीं हिंडन नदी के भी कुछ यही हाल है, जिसके बाद नोएडा गाजियाबाद में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सुबह 8 बजे के आंकड़ों की बात करें तो सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर राजधानी दिल्ली में 205.90 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से तकरीबन 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और आपको सामने दिखा दें कि यमुना नदी के किनारे सब मौजूद हैं, और सामने यमुना के जलस्तर को मेजर करने के लिए जो खंभे लगाए गए हैं उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यमुना का जो जलस्तर है वो 205.9 के आंकड़े को पार करता यहां पर दिख रहा है। क्योंकि हथनी कुंड बराज के जरिए लगातार यमुना नदी में जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। और सुबह 1 बजे से लेकर 7 बजे तक हर घंटे यमुना नदी में तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर वाटर कमीशन की माने तो आज शाम तक यमुना का जो जल स्तर है वो 206.90 मीटर के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। और ये आंकड़ा खतरे के निशान से तकरीबन 1.5 मीटर ज़्यादा है। तो यानी जो यमुना के निचले इलाके हैं, जहां से अभी के समय धीरे धीरे जो जल जमाव है उसकी निकासी हो रही थी, स्थिति सामान्य होती नजर आ रही थी, एक बार फिर वहां जल भराव हो सकता है। क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो आज सुबह 1 बजे यमुना का जलस्तर 205.1 मीटर दर्ज किया गया था, 2 बजे 205.4, सुबह 6 बजे की बात करें तो यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर दर्ज किया गया था। यानी यमुना का जो जलस्तर है वो हर घंटे के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 9 बजे के आंकड़ों की बात करें तो जो यमुना का जल स्तर है वो बताया जा रहा है कि 206 मीटर के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि 8 बजे यमुना का जल स्तर 205.9 मीटर दर्ज किया गया था। तो ऐसे में जो सरकार है वो अलर्ट पर है, और लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जो निचले इलाके में लोग जो रह रहे हैं वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी राजधानी दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर था वो 208.66 मीटर के स्तर तक पहुंच गया था, जो अब तक का सर्वाधिक है। तो ऐसे में एक बार फिर सरकार सतर्क है और यमुना के निचले इलाकों में मुनादी करवाई जा रही है, ताकि जो लोग यमुना के निचले इलाके में रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रज्वलित दिनेश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, कई ऐसे देश के राज्य हैं जो कि बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा असर इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रहा है, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई में क्या हाल है, मेरे साथ सुजाता जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता, उनका रुख करेंगे। सुजाता, मुंबई में स्थितियां सामान्य हुई या फिर अभी भी उसी तरह के हालात हैं? क्या अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है?
बिल्कुल, देखिए मुंबई में अगर बात करें तो लगातार सुबह से ही भारी बारिश देखने मिल रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जब जब हो रही है तब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ जो ये बारिश आपको देखने मिलेगी। आपको मैं बता देती हूँ जुहू बीच का जो इलाका है किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे जुहू बीच को जो है बंद कर दिया गया है और यहाँ पर लोगों को आने के लिए सख्त मनाई कर दी गई है। लोग खड़े हैं अंदर जाने के लिए लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा और पूरे इस एरिया को जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और कारण ये क्योंकि आज हाई टाइड का समय है, यही समय है जब समुद्र में हाई टाइड आने वाला है 4 मीटर का। और यह बोर्ड देख सकती हैं जो टाइड टेबल यहां पर लगाया गया है, जुलाई का महीना और आज जो है संडे होने के कारण 4 मीटर तक का हाई टाइड जो है समुद्र में आने वाला है, जिसके चलते यहां पर लोगों को आना सख्त मनाई कर दी गई है। इसी के साथ सिक्योरिटी जो है किसी भी तरीके से ब्रीच ना हो इसलिए इस पूरे जगह को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और अगर आप देखें तो हाई टाइड आपको इस समय नजर भी आएगा कि कितनी बड़ी लहरें जो है वो समुद्र में उठ रही हैं। और साथ ही जो रेड फ्लैग लगा दिया गया है डेंजर जोन के तौर पर, डेंजर मार्क बता दिया गया, यानी उसके आगे कोई भी जो है इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। 4 मीटर तक का हाई टाइड जो है आपको समुद्र में नजर आएगा, जिसके चलते पूरे प्रयास किए गए हैं कि जुहू बीच पर और उसके आसपास के इलाकों पर कोई भी अंदर ना जा सके, क्योंकि ये वही बीच है जहां पर एक समय 6 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी जब वो यहां पर तैरने आए थे और जब उन्होंने जो लाइफ गार्ड्स थे उनकी बात ना मानने पर अंततः उन्होंने जो है अपने हाथ से जान गंवा बैठे। और आखिरकार जो है पुलिस को इतने सख्त जो है कदम उठाने पड़े कि अब यहां पर कोई भी अंदर नहीं आ सकता, बीच को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी किसी प्रकार से सिक्योरिटी ब्रीच कर अंदर ना जा सके, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा मौसम जब लोग इसका जो है लुत्फ उठाना चाहते हैं और वो उठाते हैं बीच के किनारे जाकर, समुद्र के किनारे जाकर जो है अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ। ऐसे में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, बीएमसी के कर्मचारी अभी भी मैंने तस्वीरों में देखा कुछ लोग पहुंचे हैं ताकि किसी भी प्रकार सुजाता उनसे बात कीजिए, क्या उन्हें नहीं पता कि हाई टाइड का अलर्ट है या फिर जानबूझकर हाई टाइड देखने के लिए वो आए हैं, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग जो है वो बीच पर आए थे घूमने के लिए लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि बीच बंद था। क्या बोलेंगे आप लोग, आप बीच घूमने आए थे लेकिन बीच बंद है, घूमने आए थे जी, घूमने आए थे लेकिन बंद है बीच आज। अभी क्या करें, अभी जाना ही पड़ेगा घर को। लेकिन आपको पता नहीं है कि भारी बारिश हो रही है तो बीच पे आना मना है? नहीं ना, इतना नहीं पता था, हम गाँव से आए। अच्छा, गाँव से आए हैं आप लोग। और अभी जब बीच चालू नहीं है, भारी बारिश भी हो रही है, तो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप लोग पूरे ग्रुप में घूमने आए हैं? मैं अभी घर ही जाएगा, अभी बारिश हो रही है तो काय कौन जान का खतरा लेगा इतना। बिल्कुल, अपनी जान को क्यों रिस्क में डालना है घूमने के चक्कर पे। आपने सुना इनका कहना है कि इन्हें पता नहीं था कि बीच बंद है, जिसके चलते ये लोग गाँव से इधर आए हैं घूमने लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी। और साफ तौर पर इनकी जान का ध्यान रखते हुए और ये सेफ रहे इसीलिए जो है बीएमसी ने ये कदम उठाए हैं कि बीच को बंद कर दिया गया है। किसी भी आम पर्यटक के लिए जो है बीच बंद है, कोई नहीं जा सकता अंदर, सिर्फ जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो लाइफ गार्ड है उन्हें छोड़कर सभी के लिए। और मुंबई में खास तौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरीन लाइंस की बात करें या फिर गिरगांव चौपाटी की बात करें, हर जगह जो है इसी प्रकार से पाबंदी लगा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर जाकर समुद्र के किनारे ना जाए, क्योंकि तेज लहर के कारण उन्हें पता भी नहीं चलता अंजलि और वो कब अपने जान से हाथ धो बैठते हैं और लहर के साथ अंदर चले जाते हैं और फिर जो है उन वापस वो आ भी नहीं पाते हैं, इतना ज्यादा वो अंदर चले जाते हैं, जिसके चलते अब ये खास तौर पर मेजर्स उठाए गए हैं कि किसी को भी बीच के किनारे नहीं जाने देना है और सख्त गाइडलाइंस जो है वो भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि वहां पर प्रशासन अलर्ट है और इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग बहुत ज्यादा आगे तक ना जा सके। इससे पहले टाइड टेबल भी आप सुजाता दिखा रही थी, आज हाई टाइड का अलर्ट है, इसके अलावा कल परसों आगे आने वाले दिनों की अगर बात करें 3-4 दिन क्या मौसम इसी तरह से बना रहेगा या फिर कुछ राहत के आसार हैं? देखिए बात करें अगर आने वाले दिनों की तो आने वाले बताया जा रहा है कि लगभग 3 दिनों तक जो है मुंबई में येलो अलर्ट है, लेकिन मुंबई से ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो हालत खराब है रायगढ़, यवतमाल और पालघर जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर खासतौर पर हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिस वजह से ये जो आप अपनी टाइट टेबल देख रही थी ये पहले नहीं था लेकिन अब इसे लगा दिया गया है, क्योंकि जब से बारिश शुरू हुआ है तब से मुंबई में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ जहाँ आम रस्तों पर जो लोगों की चलने
के लिए और गाड़ी चलाने के लिए रस्ते हैं वहां पर पानी जमा हो जा रहा था, जल जमाव हो जा रहा था। और अब जो है फिर लोग जुहू बीच पर जब आते हैं, जब ऐसे तमाम जो मारवे बीच की बात कर ले, जो तमाम ऐसी बड़ी बीच हैं जहां पर लोग अक्सर अपने परिवार के साथ जाते हैं, वहां पर भी इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्तर पर लोग पानी में जाते हैं, पानी में तैरने नहाने जाते हैं, उससे कई बड़ी घटनाएं जो है वो भी हो सकती है। और ऐसे में कई लोग हैं जो ये गेट को कूद कर या फांद कर भी चले जाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी है वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है कि कोई भी अंदर ना जा सके। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी कुछ ही समय पहले कुछ ऐसे छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे थे, उन्होंने इसी गेट को जो है फांद कर वो बगल चले गए और जब उन्हें वहां से भगाया गया तो वो यहाँ वापस आ गए, जिसके चलते यहाँ पर जो बीएमसी कर्मचारी है वो लगातार आ रहे हैं और उन्हें सख्त गाइडलाइंस भी दी गई, क्योंकि अगले आने वाले 5 दिनों तक जो है मुंबई में भारी बारिश के आसार है। 3 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए इस समय एक बहुत और बहुत जरूरी ये स्तर चल रहा है, क्योंकि बारिश के चलते बाढ़ जैसे आसार और जो सैलाब उमड़ा है जल जमाव का, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। जल जमाव को लेकर आपसे मैं सवाल करूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। क्या तस्वीर है वो आपने दिखाई है, जबरदस्त लहरें भी आपने तस्वीरों में दिखाई हमें वहां पर फिलहाल कैसी है। मैं रुख कर लेती हूँ अब सूरत का, जहाँ से मेरे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, गुजरात में भी बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हैं, कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। फिलहाल मौजूदा हालात क्या है, कौन कौन से कितने ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा असर, कितना जनजीवन पर असर पड़ा है बाढ़ और बारिश की वजह से? जी बिल्कुल, अगर बाढ़ और बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा असर जो गुजरात में है वो जूनागढ़ में पाया गया है। जूनागढ़ में जिस तरह से बारिश हुई है और जिस तरह से नदियां वहां पर उफान पर है और काफी जलभराव भी हो चुका है और काफी तेज धारा में वहां से पानी का जो बहाव है वो निकल रहा है, जिसकी वजह से काफी जो मकान है उनकी जो दीवारें हैं वो धराशायी हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पे जो गाड़ियां जो पार्किंग में लगी हुई थी वो भी उस पानी के बहाव के कारण उसमें बह गई है। तो सबसे ज्यादा इस वक्त अगर बात करें गुजरात में, तो गुजरात में जूनागढ़ की हालत इस समय सबसे ज्यादा खराब है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर राजकोट में भी कहीं ना कहीं ये जो बारिश है उसने अपनी तबाही जो मचाई है, जिसकी वजह से काफी मात्रा में वहां पे नुकसान हुए है। भावनगर की बात करें तो भावनगर में अब तक 4.5 इंच बारिश हो चुकी है। कल रात से ही जिस तरह से बारिश ने अपना रुख बदला है, तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, तो जिसके चलते पूरे गुजरात की हालत, मौजूदा हालत इस समय खराब है। और जिसके कारण सूरत की बात करें तो सूरत में बाढ़ का तो कोई असर नहीं है, लेकिन काफी 3 इंच से 3.5 इंच की जब बारिश हुई तो जिसके कारण जो नदी नाले हैं वो नाले हैं उनके पानी जो है वो बाहर आ चुके हैं, जिसकी वजह से रस्ते पर काफी मात्रा में जलभराव है, जिसकी वजह से यातायात पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। 3.5 इंच जितनी बारिश हुई है सूरत में, और सिर्फ 3.5 इंच की बारिश में सूरत का जो प्री मॉनसून की जो कार्यवाही है उसकी कहीं ना कहीं पोल खुली है। जो ड्रेनेज लाइन होती है जो उनको चौकअप हो चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं अब प्रशासन द्वारा उसमें जुटी हुई है कि जो पानी का जो जल भराव है उसे जल्दी से जल्दी वहां से खाली करा जाए। कितना अलर्ट शासन और प्रशासन है अमित, क्योंकि जनजीवन पटरी से उतर चुका है, कई लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, कितना अलर्ट शासन और प्रशासन? जी बिल्कुल, पूरे गुजरात में कई एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात कर दी गई है भारी मात्रा में बारिश को लेकर। अभी बात करें तो कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें कई लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी उनको बचाई जा रही है, गुजरात पुलिस भी एनडीआरएफ टीम के साथ काम कर रही है। कई ऐसी जगह है जहां पे मकान धराशायी हो चुके हैं, कई जगह पे दीवारें धराशायी हो चुकी है, कई गाड़ियां जो है वो इस पानी में बहाव में बह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो है इस पे कहीं ना कहीं कार्यवाही की जा रही है, जो भी जल भराव की स्थिति जहां पर है वहां से जल्द ये जो जल भराव की स्थिति हो वहां से पानी को निकालने की कार्यवाही शुरू की गई है। तो जो ड्रेनेज लाइन है उनको खोल दिया गया है, जो भी गटर के जो ड्रेनेज के जो ऊपरी जो सतह के जो ढक्कन होते हैं उनको भी खोल दिया गया है, वहां से लोगों को आने जाने के लिए बैन कर दिया गया है, जिसके कारण से जो जल भराव की स्थिति हो जल्दी से जल्दी वो पानी जो सीधे समुद्र में जा सके और जो यातायात पर प्रभाव पड़ा है उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कार्यवाही में जुट गई है। ठीक है, सुजाता भी मेरे साथ है मुंबई से। सुजाता, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कुदरत का कहर इस वक्त बरस रहा है, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार और बाढ़ कई सालों के बाद आई है, 45 से ज्यादा सालों का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन बात जब मुंबई की आती है
दिल्ली का एक बार को मान सकते हैं कि ऐसे हालात बहुत सालों बाद पैदा हुए तो मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन बात जब मुंबई की आती है तो हर मानसून के सीजन में मुंबई का हम यही हाल देखते हैं, जब मायानगरी पानी में डूब जाती है। सरकारें कोई भी हो, आई गई सरकारें, लेकिन मुंबई वालों को कभी इससे राहत नहीं मिली। आज भी यही हाल है, जब पानी कई इलाकों में भर जाता है और लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए सरकारें कई आई और कई गई, लेकिन मुंबई के जो बारिश के हालात हैं वो बदलते हुए नजर नहीं आते, और यही कारण है कि हर साल मुंबई पानी में डूब जाती है। बीएमसी को हर साल फटकार लगाई जाती है, लेकिन हर साल जो है वही आसार के साथ वो वही जो है इच्छाएं प्रकट करते हैं और वही बातें बोलते हैं कि सभी चीज को पूर्ण करेंगे, लेकिन कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। और वही बात कर ले अगर सड़क के गड्ढों से लेकर जल जमाव तक, या फिर जल भराव से लेकर जिस प्रकार से जो जमीन ढह जाना हो गया, या फिर ऐसे जो तमाम मुश्किलें हैं जिनका सामना मुंबई का वो करना पड़ता है, लेकिन समाधान बिल्कुल दिखता हुआ नजर नहीं आता। और हर साल कई लोग इसी के चलते अपने जान से हाथ भी धो बैठते हैं। इसी साल बारिश को आए हुए 2 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि 10 लोग गायब हैं, 80 लोग मर चुके हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर कोई भी जो है जागरूकता नजर नहीं आ रही। लोग हर साल रोते हैं, लेकिन फिर जो है पानी जमा होता ही है रस्तों पर, चाहे अंधेरी सबवे की बात करें, लंबे लंबे किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम जो है वो देखने मिलता है, और समाधान एक कि कोई कुछ नहीं रहता। तो ऐसे में हर साल जो है इस साल भी अगर बात करें तो न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के जो तमाम जिले हैं जिसमें रायगढ़ आता है, पालघर आता है, या यवतमाल की बात कर ले, इस साल भी वहां पर 100 से ज्यादा लोग कल के डेट में जो है बेघर हो चुके हैं। और ऐसे में 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी वहां पर भेजा गया है ताकि वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन ये सब जो प्रिकॉशंस है, ये सब एक्शन तभी लिया जाता है जब एक्शन ऑलरेडी हो चुका रहता है, जब लोग बेघर हो चुके होते हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, लोग हर साल जो है अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा इसमें एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, जिसके चलते इस बार भी अगर बात करें रायगढ़ में किस प्रकार से पूरा गाँव जो है एक लैंडस्लाइड के चलते उसके चपेट में आ गया, और जिसमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और साथ ही अब भी 150 लोग उसमें बिल्कुल, और ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि बेघर हो गए हैं, जो कि लापता हैं, जिनकी जान जा चुकी है इस बार अभी तक इस सीजन में मॉनसून के अलग अलग राज्यों में। सुजाता आपका बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कई राज्य ऐसे जहां पर मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से आगे आने वाले 2 से 3 दिन के लिए येलो, तो कुछ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आप भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।